अगर आप देखना चाहते हैं अपने फ़ोन में लाइव टीवी या फिर लेना चाहते हैं अपने फ़ोन में आईपीएल का पूरा मज़ा जो कि अभी शुरू होने वाली है इस 19 तारीख से, तो दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह आप अपने फ़ोन में विदाउट एनी मनी या फिर विदाउट एनी सब्सक्रिप्शन आप कोई भी चैनल लाइव देख सकते हैं अपने फ़ोन में। तो आपको इसके लिए एक ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी जो कि अभी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और आप हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं जो ऐप आपको बताने वाला हूँ ये ऐप कोई भी स्क्रीन रिकॉर्डर सपोर्ट नहीं करती, तो इसीलिए मैं आपको इस ऐप को ओपन करके नहीं दिखा सकता, लेकिन आपको दिखा सकता हूँ कि किस तरह आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं हमारे क्रोम ब्राउज़र में। तो जैसे कि हम यहाँ पे आ चुके हैं तो आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है दोस्तों इस ऐप का नाम, जो कि है यहाँ पे थोप टीवी। जी हाँ दोस्तों, इस ऐप का नाम है थोप टीवी, आपको पहले से पता होगा, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा किस तरह आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन आपको इसे कर लेना है, इस ऐप की जो ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों, इससे आपको इसे डाउनलोड कर लेना है ताकि आपको कोई भी बाद में तकलीफ ना हो। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखाई दे रहा होगा इस ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो जैसे कि अभी आप देख सकते हैं, मैं चलता हूँ नीचे की तरफ ताकि आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल सके। तो जैसे कि अभी हम नीचे आ चुके हैं तो आपको अभी दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे डाउनलोड एपीके फाइल, और यहाँ पे आपको नीचे फाइल साइज भी दिखाई दे रहा होगा जो कि यहाँ पे 16 MB का। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे अभी डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप डाउनलोड लिंक फॉर लाइव टीवी एपीके फाइल यहाँ पे लिख के आ रहा है, तो आपको नीचे जाना है और फिर से एक बार डाउनलोड का ऑप्शन आएगा डाउनलोड एपीके करके, तो उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे डाउनलोड एपीके आ चुका है। और हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल नया वर्जन है इस ऐप का, इसी साल इसे लॉन्च किया गया है ताकि आपको कोई भी बग या फिर कोई भी प्रॉब्लम बाद में ना आए। तो जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे अभी इस ऐप की जो डाउनलोडिंग है वो शुरू हो गई। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको नहीं दिखा सकता कि किस तरह ये ऐप वर्क करती है, क्योंकि ये ऐप कोई भी स्क्रीन रिकॉर्डर सपोर्ट नहीं करती है। सो फ्रेंड्स, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन मैं आपको दिखा दूंगा कि अगर कोई भी नया इस ऐप का जो वर्जन आता है या फिर कोई भी अपडेट आता है तो मैं आपको सबसे पहले बता दूंगा मेरे आने वाले वीडियोस में। और हाँ फ्रेंड्स, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में।